हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs। तो मैंने आपको AP का सम फाइंड करने के लिए इससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट कराया है, एक्सरसाइज 5.3 का ये वाला। तो यहाँ से आप फॉर्मूला देख लें, फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ मैंने वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो ये दो फॉर्मूले आएंगे सम के लिए, एक तो SN इक्वल टू एन बाई टू इंटू, जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन होगी तो इसको हम और ऐसे भी राइट कर सकते हैं, लास्ट टर्म को हम L लिखें, या अभी तक हम लास्ट टर्म को AN कहते हैं, तो ये हो जाएगा N बाय टू, फर्स्ट टर्म को हम A कहते हैं, लास्ट टर्म को हम AN कहते हैं, तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है। और लास्ट टर्म को अगर L से डिनोट करो तो शॉर्ट फॉर्म में A+L भी राइट कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला तो ये है जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो, और दूसरा फॉर्मूला ये जब हमें AP गिवन हो और कितने टर्म का सम फाइंड करना है, N गिवन हो, तब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो N बाय टू, 2A+N-1 इंटू डी, दो फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि फर्स्ट इसका पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 2, 7, 12 अप टू हमें 10th टर्म तक सम फाइंड करना। तो यहाँ पे हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है, हमें ये गिवन है कि हमें एन की वैल्यू गिवन है कि आपको कौन से टर्म तक का सम यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये भी AP हमें गिवन है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये गिवन AP में A कितना हो जाएगा, यहाँ से A=2 फर्स्ट टर्म है वो, और डी हमारा कितना हो जाएगा, 7-2, तो ये हमारा हो गया 5। तो डी इज 7-2, दिस माइनस दिस होता है। और एन हमें यहाँ पे कितना गिवन है, एन इज 10, क्योंकि हमें 10th टर्म तक यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सम। तो यहाँ पे फॉर्मूला इज SN=N/2, 2A+N-1 इंटू डी। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि हमें ए एन और डी गिवन है। तो इस फॉर्मूले में भी चार वेरिएबल, एक SN है, एक A, एक N और एक D। तो किन्हीं तीन की वैल्यू आपको गिवन होगी और एक आपको फाइंड करना है। तो यहाँ हमें N, A और D की वैल्यू गिवन है, SN हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, N की जगह पुट किया 10/2, फिर 2, A हमारा हो गया 2 प्लस एन की जगह 10-1, और डी हमारा हो गया यहाँ पे 5। ना उसको सॉल्व किया तो 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम, तो ये हमने यहाँ 5 राइट कर लिया। फिर 2 इंटू 2 हो गया 4, प्लस 10-1 हो गया 9 इंटू 5 हो गया, तो ये हमारा हो गया 5। 4+9 × 5 हमारा हो गया यहाँ पे 45। तो ये दिस इम्प्लाइज 5 × 45+4 हमारा हो गया 49। तो 49 × 5 हमारा हो गया यहाँ से 9, यहाँ 5 से 9 × 5 45, 5 कैरी 4, 5 × 4 20, 20+4 24। तो ये सम ऑफ 10 टर्म हमारा कितना आ गया, 245। तो इस तरह के से हमें यहाँ पे चारों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हम नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें AP गिवन है -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म। तो अप टू 12 टर्म तक हमें यहाँ पे सम फाइंड करना। तो यहाँ से भी A हमारा कितना आ गया, -37, और D हमारा आ गया दिस माइनस दिस, तो -33 माइनस, ये हमारा ये होता है A2-A1 ही होता है, A2-A1 या A, तो A कितना है हमारा -37। तो इसको सॉल्व किया तो हो गया -33 × -37, तो ये हमारा हो गया 37 − 33 हमारा हो गया 4, और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 37 बड़ा है, इसलिए हमारा डी पॉजिटिव हो जाएगा। और एन हमें यहाँ पे गिवन है, हमें 12th टर्म तक सम चाहिए, तो एन हमारा यहाँ कितना हो गया 12। तो नाउ सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, और हमें SN सम फाइंड करना है यहाँ पे। तो SN इक्वल टू होता है N/2, 2A+N-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हमें लेना है, और इसके लिए सारी वैल्यू पुट करके हम SN फाइंड कर लेते हैं। तो N हमारा कितना हो गया, 12/2, 2A is -37 + N is 12-1, और D is 4। नाउ उसको सॉल्व किया तो ये हमारा हो गया 2 के टेबल से 12 कैंसिल 6 टाइम, तो ये 6 आ गया। फिर -37 × 2 हमारा हो गया 7 × 2 14 का 4 कैरी 1, 3 × 2 6, 6+1 7, 74 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है।
प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 4 हो गया, तो ये हमारा हो गया 6 माइनस 74 प्लस 44 हो गया। तो ये -74 प्लस 44 हमारा कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 74 में से 44 गया तो यहाँ पे कितना बच गया 30। 4 माइनस 4 0, 7 माइनस 4 3, और साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 74 बड़ा है तो इसका साइन आएगा। तो नाउ 6 इंटू -30 तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 इंटू 30 हमारा यहाँ पे कितना हो गया 180। तो सेकेंड का आंसर है, तो दिस इम्प्लाइज एस ऑफ 12 टर्म का, तो एस 12 हमारा हो गया -180। ये हमने यहाँ पे 12 टर्म का सम फाइंड किया। नाउ हम इसका सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। तो ये इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है जिसमें हमें 100 टर्म्स तक सम फाइंड करना है। तो 0.6, 1.7, 2.8 और अप टू 100 टर्म तक हमें सम फाइंड करना है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का में ए हमारा है 0.6 और डी कितना है, दिस माइनस दिस, तो ए 2 माइनस ए, तो ए कितना हमारा हो गया 1.82 इज 1.7 -0.6। तो ये हम यहाँ पे साइड में सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, 1.7 -0.6, 7 माइनस 6 1 हो गया और ये 1.1 हो गया। तो डी हमारा 1.1 हो गया, एन हमारा क्वेश्चन में गिवन है 100 और हमें एस एन सम फाइंड करना है यहाँ पे। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूला लगा के, वही सम वाला फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू एन बाय 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नाउ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो एन हमारा कितना है 100 बाय 2 2, ए इज 0.6 प्लस एन, एन हमारा यहाँ पे कितना है 100 माइनस 1 और डी कितना है यहाँ 1.1। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 के टेबल में 100 आता है 50 टाइम, तो ये हमारा हो गया 50, और फिर 0.6 इंटू 2, तो ये 0.6 इंटू 2, 6 इंटू 2 हो गया हमारा 12, और 2 इंटू 0 0, एक नंबर के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे भी एक नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये हमारा हो गया 1.2 प्लस 100 माइनस 1 हो गया 99 इंटू 1.1। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। नाउ हम इसको यहाँ मल्टीपल को सॉल्व करके फिर ऐड करते हैं, तो 50 एज इट इज, 1.2 एज इट इज प्लस 99 इंटू 1.1, तो ये 1.1, 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 1 9, अगेन 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 1 9, तो ये हमारा हो गया 999, और एक नंबर के बाद डेसिमल है, सॉरी 9 9 और 9 18, तो 18 8 कैरी 1 9 प्लस 1 10, 1 0 8 9 हो गया, और एक नंबर के बाद डेसिमल है तो यहाँ भी एक नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये हमारा गया 108.9। नाउ इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये 1.2 एज एड हो गई, 1.2 ऐड हो रहा है। तो डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल रखना है, डेसिमल से लेफ्ट साइड में जो वैल्यू वो लेफ्ट साइड में रखनी है और राइट साइड में जो वैल्यू वो राइट साइड में रखनी है। 9 प्लस 2 11, तो 1 1 8 9 10 का 0 कैरी 1 1 1, तो 110.1, तो ये हमारा हो गया 50 इंटू 110.1 हो गया। ठीक है, अब 50 से मल्टीपल करना है, तो ये हमने 50 से मल्टीपल किया, तो 0 से मल्टीपल करोगे तो सारे 0 ही आएंगे, फिर 5 से कहते हो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 1 5, तो 0 5 प्लस 0 5, 0 5 प्लस 0 5 और 5, एक नंबर के बाद डेसिमल है तो एक नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये हमारा हो गया 5 5 0 5। डेसिमल 0 हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि डेसिमल के बाद तो कोई नंबर है ही नहीं और इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो सम ऑफ 100 टर्म हमारा कितना हो जाएगा 5505। नाउ हम इसका नेक्स्ट लास्ट फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो ये इसका फोर्थ पार्ट है जिसमें हमें 11 टर्म तक का सम फाइंड करना है। तो ए इज 1 बाय 15 हो गया, डी इज a2 माइनस a, तो ये दिस माइनस दिस, तो ये हो गया 1 बाय 12 माइनस 1 बाय 15 हो गया। तो 1 बाय 15 और 1 बाय 15 है और ये 12 है, तो 12 और 15 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो हम इसका शॉर्ट मेथड लेते हैं, तो ये हो गया 2 के टेबल में 12 आया 6 टाइम, और 15 तो 2 के टेबल में आता नहीं, फिर 2 के टेबल में 6 अगेन आया 3 टाइम, और 15 अब तो 2 से नहीं होगा, अब 3 से, 3 के टेबल में 3 1 टाइम और 15 5 टाइम, और लास्ट 5 के टेबल में तो 1 और 1, तो एलसीएम हमारा हो गया ऑफ 12 एंड 15 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो गया 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 60, तो ये 60 इसका एलसीएम आ गया, तो इक्वल टू हमारा हो गया 60। तो 12 के टेबल में 60 आता है 5 टाइम, तो ऊपर हो गया 5 इंटू 1 5 5, 15 के टेबल में 60 आता है 4 टाइम, तो 4 इंटू 1
फोर, तो 5 माइनस 4 हो गया 1/60 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया डी। और एन हमें यहाँ पे कितना गिवन है 11, क्योंकि हमें 11 टर्म तक का सम फाइंड करना है, इसलिए एन इक्वल टू 11 हो गया। और एस एन हमें यहाँ फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो एस एन इक्वल टू एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो एन यहाँ पे हमारा कितना है 11, तो ये हमारा हो गया 11/2, 2a इज 1/15 प्लस 11 माइनस 1, और डी इज 1/60। तो ये हमने पुट कर लिया, ना हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 तो ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, इसको एज इट इज रखा। फिर आपका 2 इंटू 1, तो ये भी 2 से 15 कैंसिल हो रहा, तो 2 इंटू 1 हमारा 2/15 हो गया, प्लस 11 माइनस 1 हो गया हमारा 10 इंटू 1/60। तो ये 10 के 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा हो गया 11/2, 2/15 प्लस 1/6 हो गया। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 15 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 15 और 6 के एलसीएम, तो 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 6 आता है 3 टाइम। नाउ 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम, 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम, 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम, 1। तो ये एलसीएम ऑफ 15 एंड 6 हो गया 5 इंटू 3 इंटू 2, तो 5 इंटू 3 हो गया 15 इंटू 2 हो गया 30। तो यहाँ एलसीएम आ गया 30, 11/2, 15 और 6 का एलसीएम 30, 15 के टेबल में 30 आता है 2 टाइम, तो 2 इंटू 2 4, फिर 6 के टेबल में 30 आता है 5 टाइम, तो 5 इंटू 1 5। तो ये हमारा हो गया 11/2 × 5 + 4 9/30। तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 के टेबल से तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 3 के टेबल में 9 3 टाइम और 30 आता है यहाँ पे 10 टाइम, तो बस इतना ही सॉल्व है। 11 × 3 33/10 × 2, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीपल किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो 10 × 2 हमारा हो गया 20। तो ये हमारा सम ऑफ 11 टर्म हमारा आ गया 33/20। तो यही हमें फाइंड करना था, तो ये हमने यहाँ पे इसको फाइंड कर लिया कि इसी एपी के 11 टर्म का सम हमारा आएगा 33/20। तो आई होप आपको चारों पार्ट इसमें समझ में आए हैं। अभी भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।